मंगलवार को 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय भवन निर्माण मजदूर यूनियन द्वारा पदयात्रा का कार्यक्रम किया गया। पदयात्रा का उद्देश्य था कि बिखरे हुए मजदूरों को जागरूक करके संगठित करना और उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है। पदयात्रा गोलघर काली मंदिर से शुरू होकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक जनसभा के साथ समाप्त हुई। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी और समस्त मजदूर मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय भवन निर्माण एवं अन्य मजदूर यूनियन उमाशंकर सिंह ने कहा, मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के तत्वाधान में आज जो ये विशाल जुलूस निकल रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य जो है असंगठित क्षेत्र के उन करोड़ों मजदूरों को जागरूक कर एक मंच पर लाना और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर जो असंगठित मजदूरों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ करके इनको न्याय दिलाना हमारी प्रमुखता में है।